हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। इसी के साथ सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है। करनाल में 92 साल की बुजुर्ग महिला लोगों के लिए मास्क बना रही है और फ्री में सभी को मास्क दिया जा रहा है। बता दें कि पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा सेवा भारती से जुड़ा हुआ है। 92 साल की विद्यावंती ने बताया कि वो अपने जीवन की ये तीसरी सबसे बड़ी त्रासदी देख रहे हैं। इससे पहले प्लेग, फिर भारत पाक विभाजन का दर्द वो स्वयं भुगत चुकी हैं। पाकिस्तान बनियान में जिंदगी में तीजी वाली आए, तीजी वाली एक बार पाकिस्तान बनिया, एक बार जम्मू ने आसें जी जम्मू से निकले हैं, फिर इतने आए, इतने आए किन्ने कपड़े जी हूं इन्हें बड़ा अच्छा किया। मैं मोदी ने आशीर्वाद मेरी दे देनी कि आपने बहुत अच्छा किया, बिना पैसे काम हो गया, नहीं तो इन्ने पैसे लगते हैं। हूँ बीमारी जी लाई है ना, ये बीमारी नहीं आती ये माता जी। जो सा शुरू से जैसे आपने अभी बात हुई कि बचपन से लेकर उन्होंने एक तो पाकिस्तान का जो सब बंटवारा उस टाइम देखा, तब तो भी इन्होंने सेवा भाव से काफ़ी जो भी सेवा भाव किया, राष्ट्र सेवा की, और उधर से दूसरा कि संयोगवश हम भारत विकास परिषद कर्ण शाखा से जुड़े हुए हैं। सबसे प्रथम क्या है, हमारी राष्ट्र सेवा। अगर हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, अगर विपत्ति के समय हम काम नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा हो।